subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So, आज के शो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. देखो यहाँ पर मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ ऐसा नहीं है कि उससे बाहर आपसे कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनने वाला है. यहाँ आप जो बोलते रहते कि हमें क्या एक सोर्स जो है वो इनफ रहेगा करंट अफेयर के लिए, डेफिनेटली अगर आप मेरी क्लासेस फॉलो करते हैं, ये क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, क्योंकि उन ये जो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर आते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, तो आपको सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सर्च आउट करने का काम मेरा है, बस आपको ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे देखने हैं, आपको ये क्लास डेली बेसिस पे अटेंड करना है. तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं यहाँ पर आप सेशन को लाइक कर सकते हैं. यहाँ पर जो आज का हमारा फर्स्ट कोट है वो क्या है, यू कैन वेस्ट योर लाइफ ड्राइंग लाइंस. आप अपनी जो लाइफ है उसमें लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं. यानी आपको अपने लिए कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं करना है. बी अनस्टॉपेबल एंड बी अनलिमिटेबल, यानी आपको कोई भी लिमिट्स आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए. यू कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी लाइफ में बन सकते हैं इफ़ यू बिलीव योर सेल्फ. ओके, तो आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट रखना है और मेहनत करते रहना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द स्टैटिक अवेयरनेस. आज का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है वो स्टैटिक अवेयरनेस का क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू अ डे. सो विच डे इज़ ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इन 2019 में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है वो किस दिन मनाया गया. ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 29th में. तो आपको 29th में से इंटरनेशनल एवरेस्ट डे याद रख लेना है. अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें हैं जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए जो न्यूज़ में थी. सो यहाँ पर देखिए नेपाल में आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, उसको वहाँ पर क्या बोला जाता है, सागर माथा भी बोला जाता है. फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. सेकंड थिंग, यहाँ पर कुछ न्यूज़ चल रहा था जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, कमी रीटा जो हैं उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने 23rd टाइम क्लाइम किया है, किसको, माउंट एवरेस्ट को. सो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक पहली साउथ अफ्रीकन वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है उनका नाम क्या है, शेरे खुमालो जो है, शी इज़ द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वीमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. सो दिस इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इंडियन राइटर हु वन द 9 Dots प्राइज. सो 9 Dots प्राइज इज़ अ काइंड ऑफ बुक प्राइज, एक तरीके का बुक प्राइज है जो दिया जाता है. ये किस इंडियन ऑथर को यहाँ पर दिया गया है. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंडियन राइटर, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पर जो आपने याद रख लेना है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ एनी जैदी. दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट स्लाइड. सो यू कैन सी हर इमेज, ये जो है एनी जैदी हैं. अब उनको किसके लिए ये प्राइज दिया गया है, ये जो बुक प्राइज है, शी रिसीव्ड दैट बुक प्राइज फॉर ऐसे जिसका नाम क्या था. यहाँ पर आप बता सकते हैं, ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस. सो फॉर दिस शी रिसीव्ड दैट 9 Dots प्राइज. ओके, एंड इट विल बी पब्लिश इन मे 2020. सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ एनी जैदी. एनी जैदी की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, अगर आपको उनका नाम पता है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो दे आर 2 फेमस बुक्स, वन इज़ अनबाउंड एंड द सेकेंड इज़ गुलाब. ओके, सो दीज आर 2 बुक्स विच आर ऑथर्ड बाय एनी जैदी, ये हमें पता होना चाहिए. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
USA signed defense agreement with which country due to increasing tensions between the Washington and Tehran. आपको पता है USA और ईरान के बीच में काफ़ी tensions चल रही हैं, काफ़ी वो एक दूसरे के rivalry बन गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि USA ने agreement किस country के साथ sign कर लिया है for defense purposes. So the correct answer here will be the option number D, that is UAE. So UAE and USA signed an agreement for what? For defense purposes. ये हमें यहाँ पर याद रख लेना है. यहाँ पर आपको ये जो चीज़ पता होने चाहिए वो क्या है, यू ए से रिलेटेड है. सो यू ए इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली. किस वजह से वो न्यूज़ में था? टू इशू द परमानेंट रेजिडेंसी, जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए. सो इट वॉज एन इनिशिएटिव बाय यू ए, जहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, वी विल प्रोवाइड परमानेंट रेजिडेंसी टू द इन्वेस्टर्स. जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स होंगे, अराउंड 6800 इन्वेस्टर्स होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, परमानेंट रेजिडेंसी दिया जाएगा बाय गोल्डन कार्ड. ओके, सो एंड गोल्डन कार्ड, अ गोल्डन कार्ड विल बी इशूड टू दैम. ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए. यू ए की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है. एंड द करेंसी इज दिरहम. वहाँ के प्रेजिडेंट का क्या नाम है? खलीफा बिन जायद है. सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होना चाहिए थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इट इज़ वन क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द रैंकिंग. रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का कितना रैंक है अकॉर्डिंग टू द IMD रिपोर्ट. IMD रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, उसमें इंडिया का कितना रैंक है. अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो इंडिया का कितना रैंक था, 44 रैंक था. बट दिस टाइम इंडिया जंप टू हायर प्लेस, दैट इज़ 43. ठीक है, तो अब की बार जो इंडिया का रैंक है वो क्या है, 43 रैंक है. कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में जो रिलीज़ किसने की थी, IMD ने की थी. आंसर दिखा दीजिए. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है विच कंट्री टॉप दिस इंडेक्स. इस इंडेक्स को कौन सी कंट्री जो है उसने टॉप किया है. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज व्हाट, सिंगापुर. सेकेंड is Hong Kong and the third is USA. Okay, so earlier USA was on the top and Singapore was on third position. Okay, so last year ऐसा था, but ये आपको अब याद नहीं रखना. अब जो टॉप कर दिया है वो सिंगापुर ने यहाँ पर टॉप कर दिया है. ये चीज़ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, वेर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IMD. IMD जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट, IMD. ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए. अगेन आपसे पूछा जा सकता है जीन फ्रेंको जो हैं वो क्या हैं, यहाँ के प्रेजिडेंट हैं. सो आई होप दीज फैक्ट्स आर क्लियर टू यू. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has been conferred with the lifetime recognition award by the Confederation of Horticulture Association of India? ये आपसे पूछा गया है कि ये lifetime recognition award जो है वो किसको दिया गया है. सो ये जिनको भी दिया गया है वो VC हैं, इस टाइम पर कहाँ की, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की. एंड हिज नेम इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ N. कुमार. तो यहाँ से आपको क्या याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. एन कुमार का नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है. ये कुछ अवार्ड्स रिकॉग्निशन जो भी दिए जाते हैं वो डेफिनेटली आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री साइंड ए ट्री पार्टी अग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान. इंडिया और जापान के साथ ही अग्रीमेंट साइन हुआ है, बट यू हैव टू रिमेंबर द पर्पज़, क्योंकि ऐसे सारे अग्रीमेंट्स काफ़ी होते रहते हैं. ये जो इसका पर्पज़ था वो कोलंबो पोर्ट को डेवलपमेंट था. कोलंबो पोर्ट को डेवलप करना इसका एम रहा है. सो वट विल बी द आंसर हियर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रीलंका. हमें पता है कोलंबो पोर्ट की बात हुई है, तो कौन से कंट्री में आएगा वो, श्रीलंका में आएगा. ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए था. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी टुडे देर विल बी अ डिफरेंट क्लास. आपका 4 PM पर एक बैंकिंग अवेयरनेस क्लास होने वाला है. वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग. सो यू कैन फॉलो दैट सेशन एज वेल. ओके, आप उस सेशन को भी फॉलो कर सकते हैं. इट विल बी एट 4 PM. ओके, आपको उसको रिमाइंडर पर बैल क्लिक कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो द क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड द एक्सपोर्ट बैन ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम केरला. केरला से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो वो एक्सपोर्ट किया जाता था, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था पहले, जो बैन कर दिया गया था. यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ सऊदी अरेबिया. सो हमें यहाँ से याद जो रख लेना है वो सऊदी अरेबिया याद रखना है. ओके,
सो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सो इट विल बी रियाद एंड द करेंसी इज रियाल. ओके, केरला जो है आपको पता है केरला में कौन से डैम है, इदुक्की डैम है, ये केरला में है. केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, पिनराई विजयानन है, विजयानन है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, पी सदाशिवम है. सो दीज आर सम ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट. आपको यूएई और सऊदी अरेबिया में कंफ्यूज नहीं रहना, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप. आपको अगर पता हो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. ISSF जो यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिलेटेड ये जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर चल रहा है, वट इज़ द वेन्यू, इट इज कंडक्टेड इन द म्यूनिक. ओके, सो आपको यहाँ से जो याद रख लेना है वो आपको म्यूनिक याद रख लेना है, विच इज़ इन जर्मनी. इट इज़ द वेन्यू ऑफ ISSF वर्ल्ड कप. यहाँ पर हम हमारे इंडिया से एक मेडल ऑलरेडी जीता जा चुका है, वो किसने जीता है, अपूर्वी चांदेला. अपूर्वी चांदेला ने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पर, लेकिन कौन सी कैटेगरी में जीता था उन्होंने, वो था 10 मीटर एयर राइफल था. बट यहाँ पर जो बात हो रखी है वो 10 मीटर एयर पिस्टल की बात हुई है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सौरभ चौधरी. ओके, तो आपको यहाँ से सौरभ चौधरी का नाम याद रख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपको याद रखना था जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे फर्स्ट मेडल पूछा जाएगा तो आपको अपूर्वी चांदेला बताना है, सेकेंड गोल्ड मेडल वहाँ पर पूछा जाएगा तो आपको सौरभ चौधरी बता देना है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हमारे लोकसभा इलेक्शन, जो हमारे अभी इलेक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. हाउ मैनी वीमेन एम पीज हैज़ बिन इलेक्टेड टू द 17th लोकसभा. हमारी जो अब की बार लोकसभा बनी है वो कौन से लोकसभा है, 17th लोकसभा है. लास्ट ईयर जो था यानी 20, अगर लास्ट सेशन में हम बात करें 2014 में, कितनी वीमेन एम पीज को वहाँ पर अपॉइंट किया गया था, कितनी वीमेन एम पीज थी, तो वहाँ पर जो थी वो कितनी थी, 62 थी. बट दिस टाइम द नंबर इज 78, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर याद रख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द मालदीव्स पार्लियामेंट्री स्पीकर. मालदीव्स के पार्लियामेंट्री स्पीकर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है. इसके रिलेटेड आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स की कैपिटल और करेंसी क्या है. सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है. अगेन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ योर स्कोर आउट ऑफ 10. 10 में से आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं, ये भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ इब्राहिम मोहम्मद सोली. तो उनका नाम आपको याद रख लेना है, वो पहले प्रेजिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के. अब मालदीव्स जो है उसकी कैपिटल क्या है, माले है, एंड द करेंसी इज रुफिया. सो दीज आर सम ऑफ द स्टैटिक फैक्ट्स. आई विल ट्राई कि आपका स्टैटिक अवेयरनेस जो है उसके लिए आपको कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े, आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चलें, क्योंकि जो भी कैपिटल करेंसी आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा कैपिटल करेंसी होगा जो भी कंट्री वहाँ पर न्यूज़ में चल रहा होगा. सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सेशन के थ्रू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूँ ताकि आपका जनरल अवेयरनेस एक्सचेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी अपॉइंट किया गया है, उनका ये अगेन फिर से टर्म है उनका, तो चेंज नहीं हुए हैं. पहले कौन थे, स्कॉट मॉरिसन थे और अभी भी वही हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. तो आपको उनका नाम यहाँ पर याद रख लेना है. हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है इट इज़ रिलेटेड टू द RTGS. RTGS क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो यहाँ पर RTGS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. यहाँ पर RTGS के थ्रू जो आप ट्रांसफ़र करते थे उसकी टाइमिंग पहले कितनी हुआ करती थी, 4:30 PM तक थी अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डर्स, बट नाउ इट इज़ चेंज टू वट. अब इसकी जो नई टाइमिंग है वो क्या है. RTGS का फुल फॉर्म जो मैंने बताया है आप यहाँ पर मुझे बताएंगे. अब आपको क्या करना है, सेशन के ख़त्म हो जाने के बाद आपको मुझे बताना है 12th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा,
साथ में आपको RTGS जो है उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखना है। सो मैं देखूँगी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही आंसर करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे ढंग से कि RTGS क्या होता है। ओके, सो आई होप ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपका जो भी स्कोर कार्ड रहता है आप उस कमेंट के साथ में मेंशन कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि आप कितना यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना अच्छे से आपकी तैयारी है। सो आज हमारा 4 PM पर शो होने वाला है बैंकिंग अवेयरनेस का, उसमें भी आई होप कि आप वहाँ पर डेफिनेटली आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस सेशन। Subscribe to Adda247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.